मथुरा और वृंदावन की होली क्यों होती है खास, जाने यहाँ। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की होली को देखने देश भर से ही नहीं विदेशों से भी सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। जहाँ देश के दूसरे हिस्सों में रंगों से होली खेली जाती है, वहीं सिर्फ मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ रंगों के अलावा लड्डुओं और फूलों से भी होली खेलने का रिवाज है। इतना ही नहीं, पूरे एक हफ्ते पहले यहाँ इसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो और किन वजहों से मथुरा और वृंदावन की होली है खास, कहाँ आकर देख सकते हैं इसकी धूम, जानेंगे इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि आज भी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निवास करते हैं, इसलिए पूजा पाठ से लेकर उत्सव भी ऐसे मनाए जाते हैं जैसे वो खुद इसका हिस्सा हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से ही राधा के गोरे और अपने सांवले रंग की शिकायत माँ यशोदा से किया करते थे, तो राधा रानी को अपने जैसा बनाने के लिए वो उन पर अलग अलग रंग डाल दिया करते थे। नंदगांव से कृष्ण और उनके मित्र बरसाना आते थे और राधा के साथ उनकी सखियों पर भी रंग फेंकते थे, जिसके बाद गांव की स्त्रियां लाठियों से उनकी पिटाई करती थी। तो राधा कृष्ण की बाकी लीलाओं की तरह ये भी एक परंपरा बन गई जिसे यहाँ लठमार होली के तौर पर आज भी निभाया जाता है। वैसे तो पूरे शहर में ही होली की धूमधाम देखने को मिलती है, लेकिन जिस होली की चर्चा पूरे देश भर में है, उसे देखने के लिए आपको बरसाना, नंदगांव, ब्रज और वृंदावन आना पड़ेगा। बरसाना की लठमार होली में नंदगांव से पुरुष आकर यहाँ की महिलाओं को चिढ़ाते हैं, जिसके बाद महिलाएं उनकी लाठी डंडों से पिटाई करती हैं। इस लड़ाई को देखने और इसमें शामिल होने का अपना अलग ही आनंद होता है। इसके बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर आए, जहाँ रंगों और पानी के साथ होली खेलने की परंपरा है। बरसाना की लठमार होली, नंदगांव की लठमार होली, रंग भरनी एकादशी, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। मथुरा के मैत्री आश्रम में रहती हैं विधवा महिलाएं, जहां विधवा महिलाएं भी जमकर खेलती हैं होली, जो एक बहुत ही अच्छा और सार्थक कदम है, क्योंकि पहले हमारे देश के रीति रिवाज इसके खिलाफ थे। होलिका दहन पूरे ब्रजमंडल में होलिका दहन होता है। होली ब्रजमंडल में खेलें पानी की होली, मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में होली की धूम देखने को मिलती है। हुरंगा दाऊजी मंदिर आकर देखें मशहूर हुरंगा होली की मस्ती। रंग पंचमी और रंग पंचमी के साथ होता है होली का समापन, जिसे आप यहां के मंदिरों में देख सकते हैं। तो खास और से ऐसे 5 इवेंट्स होते हैं जिन्हें मथुरा वृंदावन आकर बिल्कुल भी मिस न करें। पहला बरसाना की लठमार होली, दूसरा नंदगांव की लठमार होली, तीसरा कोसी का होलिका दहन, चौथा बांके बिहारी की रंगों वाली होली, पांचवा दाऊजी मंदिर की होली। इनके अनुसार ही अपना प्लान बनाएं। 14 मार्च से यहां होली का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मथुरा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही आसान है, सड़क मार्ग से आने का प्लान करें क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हैं, साथ ही यहां हर एक नज़ारे का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन उतरकर टैक्सी द्वारा आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं।